भाइयों बहनों, जब ये गौर परिवारवादी सरकार में थे तो यूपी के विकास के लिए, गरीबों के लिए हम जो भी काम लेकर आते थे उसमें ये अड़ंगा लगा देते थे। लेकिन बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने यूपी के विकास की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। आज यूपी की जनता इस बात को समझ रही है, यूपी में हुए विकास कार्यों को देख रही है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को इन कार्यों के बारे में निरंतर जागरूक करते रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो काम किया है वो यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या से पता चलता है। 2017 से पहले यूपी में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कुल 33 मेडिकल कॉलेज थी। आज यूपी में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65 हो गई, करीब करीब डबल। ये है भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में 40,000 से भी कम, पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, 40,000 से कम घर बनाए थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में करीब करीब 10 लाख घर बनवाए हैं। आप मुझे बताइए, कोई मुकाबला है क्या इन दोनों के बीच में? और साथियों, जब तक इनकी सरकार थी इन्होंने गरीबों का मकान बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। बनारस में इनकी सरकार के 5 सालों में 1,500 से भी कम घर बनवाए थे, 1,500 से कम। जब आपके एक वोट ने परिवारवादियों को इनके आलीशान महलों में भेज दिया, जब आपने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताया, तो स्थितियां बदलनी शुरू हुई। योगी जी की सरकार में बनारस में 24,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिला है। साथियों, हमारी भाजपा सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत यूपी के करीब करीब 1 करोड़ घरों में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया है। कोरोना का इस काल में भाजपा सरकार 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित करा रही है। इसमें भी 9 करोड़ पिछड़ा वर्ग के हैं, 3 करोड़ दलित है और 3 करोड़ सामान्य वर्ग के हैं। यूपी के 2,60,00,000 से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 43,000 करोड़ रुपए का सीधा पैसा उनके बैंक खाते में मिला है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, गंगा जी की सफाई को लेकर जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। यूपी में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाओं पर काम हुआ है। यहां रामनगर में, रमना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम शुरू करना हम शुरू कर चुके हैं। बनारस में गंगा जी में गिरने वाले 80 से ज्यादा नालों का पानी अब पहले ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। ऐसे अनगिनत काम जो मैं गिनाने लगूं तो शायद कई दिन निकल जाएंगे। मेरा आग्रह यही है कि आप सरकार के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें।